नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा। पीएम मोदी ने मन की बात में मेजर ध्यानचंद को याद किया। इस महान खिलाड़ी का आज जन्म दिवस है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान सिंह से ध्यानचंद के रूप में मशहूर हुए महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद अपने जमाने में ऐसा खेलते थे कि वियना में एक ऐसी प्रतिमा लगी है जिसमें उनके चार हाथ दिखाए गए हैं और चारों में हॉकी स्टिक है। यूं तो मेजर ध्यानचंद के वक्त भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल चल रहा था, लेकिन बीते 40 सालों में हॉकी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। हालात ऐसे हो गए कि जिस देश की टीम कभी लगातार गोल्ड जीता करती थी, वो एक बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीतकर एक बार फिर ये भरोसा दिला दिया है हॉकी का स्वर्णिम काल एक बार फिर आएगा। लेकिन इसी के साथ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी उठने लगी है। देश का एक ऐसा महान खिलाड़ी जिसने कई ओलंपिक में टीम को गोल्ड दिलाया है, जिसकी हॉकी स्टिक कई बार तोड़कर देखी गई कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं, जिसकी हॉकी में लगने वाला गेंद उनकी कलाइयों की कला से गोल से पीछे नहीं रुकता था, उस महान खिलाड़ी का सफर एक सेना के एक सिपाही के रूप में शुरू हुआ, जिन्हें हॉकी में खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि सूबेदार मेजर तिवारी के देखरेख में हॉकी का खेल शुरू करने वाले आर्मी के सिपाही ध्यान सिंह ने इतना शानदार खेला कि सेना में पदोन्नति तो हुई, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे ध्यान सिंह 16 साल की उम्र में आर्मी में शामिल हुए, जिसके बाद उनके हॉकी का सफर भी शुरू हो गया। शुरुआत में उन्होंने सेना के हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल हुए। मेजर ध्यानचंद ने इतना शानदार खेला कि आर्मी की हॉकी टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की और सिर्फ एक मैच में हार हुई। उसके बाद ध्यान सिंह को लॉन्स नायक की उपाधि मिली और फिर तो हॉकी में जीतने का सिलसिला यूं शुरू हुआ कि ध्यान सिंह सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बाद मेजर भी बन गए। अपने अद्भुत खेल कला की बदौलत उन्होंने लगातार तीन ओलंपिक खेलों में, यानी कि 1928, 1932, 1936 में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलवाए। उनमें से 1936 वाले ओलंपिक में जो बर्लिन में खेला गया, उसमें मेजर ध्यानचंद ने इतना शानदार खेला कि ग्राउंड में मौजूद हिटलर अपनी टीम की हार देखकर ज़्यादा देर तक मैच नहीं देख सका। उसके बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता समेत कई ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आज भी ओलंपिक खेलों में उनका रिकॉर्ड 101 गोल और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 300 गोल दागने का है, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हालांकि फिर 42 साल की उम्र में उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। साल 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जीवन के आखिरी वक्त में कैंसर से लड़ते हुए साल 1989 में मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजधानी दिल्ली में उनके नाम से एक स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। वहीं इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।